गे सोना में आया हूँ मैं आज. ओके सो दिस बेसिकली इज अ न्यूड संडे. यहाँ पे कपड़े वपड़े नहीं पहनते. गे सोना के अंदर बहुत कम लोग देख पाते क्या होता है. मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ ट्रिप बहुत कम लोगों ने देखा होगा. अब एक्चुअली कम होना डीजा होना एक्चुअली लिटरली फिलहाल कोई भी नहीं. मैं थोड़ा सा जल्दी आया था वर्कआउट करने के लिए. फिर ऐसे यहाँ पे बहुत सारे न्यूड बेथिंग होती है. लाइक 2-3 पीपल बिफोर ऑब्वियसली मैंने वीडियो नहीं बनाया जब वो ऐसे नंगे बैठे हुए थे. बट लाइक बेसिकली इट्स अ मेन ओनली स्पा. टेरेस ऐसे दिखता है. आप यहाँ कपड़ों के बिना चिल करोगे. जैसे जकूजी है वो जो करने कर सकते हो, मस्ती कर सकते हो. इस सारे गे सोना में एक चीज़ जो डिफरेंट है वो ये कि नॉर्मली फोन्स कैमराज अलाउड कहीं नहीं होते. ये एक्चुअली इज ऑल्सो होटल जहाँ पे देर आर इंडिविजुअल रूम्स एंड स्वीट्स वेयर पीपल एक्चुअली स्टे. कॉमन एरियाज में सिर्फ यू कैन टेक अ फोन एंड दिस एंड व्हाटएवर. तो एक जगह है ऑब्वियसली व्हिच इज एक्चुअली द सोना जिसके अंदर आप फोन नहीं लेके जा सकते. सारी खुराफाती चीज़ें एक्चुअली वही हो रही है तो वो आपको नहीं दिखा सकते. बट जो जनरल एनवायरमेंट है कैफे जिम वो सब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. तो अंदर आप जब जाओगे ये है इनका जिम. तो बेसिकली इसके 280 बात मतलब 280 बात मतलब उसका डबल कर दो इंडियन करेंसी में. इतने पैसे दिए थे मैंने अंदर जाने के लिए जिम में. आज तो मतलब लिटरली कोई भी नहीं था. तो नॉर्मली यहाँ पे किसी से कपड़े नहीं पहनते, नंगे ही वर्कआउट करते हैं लोग. मस्ती करो, लोगों से मिलो, हुकअप कर लो. ऐसे कैफे अगर बैठ के बात बात करनी है बार है, दारू वारू पीनी है तो. और इनका जो रिसेप्शन वाला एरिया है डबल जहाँ पे सब बार कम मीटिंग स्पॉट ऐसी ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर हमारा फोकस है ऊपर. What I like about gay saunas is the fact that yeah, मैंने कुछ नहीं पहना हुआ वैसे. What I like about gay saunas is the fact that it's a great way for people to just meet, to chill, to hang out, to have some fun, which is nice. So yeah, if you come to Bangkok, जहाँ पर if you come to Thailand, I'm in Phuket right now. Experience things like this. मैं actually literally because privacy के चक्कर में तो like you know, अगर कोई भी यहाँ पे I would not have shown you. Like अच्छा है. आपको बताना कोई सवाल है तो comments में भी पूछिए.